नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी 2021 के एडमिट कार्ड अभी भी जारी कर दिए गए हैं। आप नाम रोल नंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, इसके लिए संपूर्ण चर्चाएं यहां पर अपन करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का आता है, आपको दिख रहा होगा प्रिंट एडमिट कार्ड न्यू, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको पूछता है कि कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। जैसे कैंडिडेट के एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर डाल के गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ से कैंडिडेट रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, अगर आपने पहले डाउनलोड कर रखा है या आपके पास रोल नंबर है, तो आप रोल नंबर और मोबाइल नंबर डाल के गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको प्रिंट आउट निकलवाना है और साथ लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करके रख लिए। कैंडिडेट एनी टू डिटेल्स, इनमें से कोई भी दो डिटेल डाल दो, ठीक है। कैंडिडेट एनी टू डिटेल वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी दो डिटेल डालो और गेट लिस्ट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर दो, लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर टिक करके निकाल दो जी। दो तरीके हो गए अपने पास एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के, और ये तीसरा तरीका हो गया। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करो और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।